नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। और इस वक्त लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है हरियाणा के हिसार में। और यहां पर लोगों से बातचीत करेंगे कि यहां पर लोगों का मूड क्या है, रुझान क्या है, किस पार्टी की तरफ यहाँ के लोगों का रुझान है। यहाँ पर आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला जेजेपी से यहाँ पर जो है सांसद हैं और दोबारा से उम्मीदवार हैं। वहीं पर भव्य बिश्नोई कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं और बिजेंद्र सिंह, बीरेंद्र सिंह के बेटे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी की तरफ से, उनके बेटे यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर लोगों से चर्चा करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बाबा हैं जो कि आम खा रहे हैं और इनसे बात करते हैं कि इनको जो है यहाँ पर क्या माहौल लगता है। तो बाबा आम खा रहे हैं? आम खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, आम है। अच्छा, देखिए आम को लेकर के अभी हाल ही के कुछ दिनों में जो है बड़ी चर्चा हुई। तो बाबा, एक प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू हुआ था तो कुछ दिन पहले, आपने सुना होगा। तो उसमें प्रधानमंत्री जी सवाल पूछा गया कि आप आम कैसे खाते हैं। आम कैसे खाते हैं? आम कैसे खाए जाते हैं? ठीक है, तो आप बताइए आम कैसे खाए जाते हैं, बताइए आम कैसे खाए जाते हैं? खाए जाते हैं, कटोर के खाए जाते हैं और कतर के खा लेते हैं। अच्छा, तो आप लेकिन ऐसे ही अपना चूस के खाने में वो मजा समझ रहे हैं? चूस के खाते हैं। अच्छा, तो आप बताइए शहर का जो है 12 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है, शहर का क्या माहौल देख रहे हैं? अभी मालूम पड़े साहब का माहौल हो, का वो है, किसका रुझान लग रहा है, रुझान किसका लग रहा है? बीजेपी का है, कांग्रेस का है, कि दुष्यंत चौटाला का है, किसका है? अब हमारा तो कोई मालूम नहीं है साहब, यहाँ वाले को मालूम पड़े, हम तो बहुत दूर के भैया है। यहाँ पे लोगों में क्या चर्चा सुन रहे हैं, लोगों में क्या जिक्र सुन रहे हैं? यहाँ जिक्र का कह रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो लगाए कांग्रेस का। तो भव्य बिश्नोई जो कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं उनका जिक्र सुन रहे हैं? हाँ, उनकी जो बाप पद पे बैठे हैं उनकी बातें कर रहे हैं। अच्छा, उनकी बातें कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ और लोग हैं और इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा तो कृष्ण है जी। कृष्ण नाम है, तो क्या कह रहे हैं, आपकी भी रेडी है, फ्रूट रेडी है? हाँ जी, वही अपनी। अच्छा, किस चीज़ की आपकी रेडी है? फल फ्रूट की है। फल फ्रूट की रेडी है, तो आप बताइए कैसा काम चल रहा है? काम मंदा है। काम मंदा है, क्या वजह है काम मंदा है? पब्लिक जो है कम आवाजाही कर रही है। कम हो रहा है। अच्छा, शहर में जो है चुनाव है आपके, इधर 12 तारीख को वोटिंग है, क्या माहौल देख रहे हैं लोगों के बीच में, क्या चर्चाएं हैं? दुष्यंत चौटाला का ही हो रहा है यहाँ। जो दुष्यंत चौटाला जो दोबारा पहले से यहाँ पर जो सांसद है, दोबारा उन्हीं को बनाने की बात हो रही है, ज्यादा हो रही है। बीजेपी है, कांग्रेस है? नहीं नहीं, अब तो दुष्यंत का चल रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं उसी में। अच्छा, दुष्यंत चौटाला की आप बात कर रहे हैं, तो पिछली बार जो है वो INLD के चुनाव चिन्ह पर जीते, चश्मा के निशान पर। इस बार उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई है, तो क्या कुछ जो है नुकसान होगा पार्टी के जो है टूटने से? कुछ तो फर्क पड़ेगा, वैसे माहौल तो इसी का ही हो रहा है। अच्छा, हर जगह ही, हम तो सुनने में यही आ रही है। आपको सुनने में यही आ रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है देवीलाल जो है हरियाणा के बड़े राजनीति घराने से रहे, उन्होंने जो है इनेलो पार्टी का गठन किया और उस इनेलो पार्टी का अब ही जो है कुछ ही समय पहले जो है हरियाणा में परिवार में जो है फूट पड़ गई और उसके बाद में चाचा भतीजे ने जो है अलग अलग पार्टियां बना ली। जो भतीजे हैं दुष्यंत चौटाला यहाँ से जो सांसद हैं, उन्होंने JGP बना ली है नई पार्टी, चप्पल जो है उनका चुनाव निशान है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, बताइए क्या नाम है आपका? संजय जी। क्या करते हैं आप? फ्रूट का काम है अपना। फ्रूट का काम है, तो चुनाव का क्या माहौल लग रहा है इस बार? चुनाव भाई साहब कई तीन पार्टी उठ रही है। हाँ, एक तो है कांग्रेस की। हाँ, एक BJP, एक ये के नाम अपने ये इलेनो JJP। हाँ, ठीक है, माहौल तो भाई साहब तीनों का है, पर आ गई मोदी सरकार। अच्छा। हाँ जी, आपको लग रहा है कि तीनों का माहौल है? हाँ जी। आपके इधर से कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी या नहीं जीतेगी? आपके इधर से जीतेगी बीजेपी? बीजेपी के यहाँ वोट बहुत है। ठीक है, यहाँ BJP वो मेयर भी BJP मना यहाँ हिसार में। लेकिन हिसार में आपको बता दें कि हिसार लोकसभा एक ऐसी है हरियाणा में जहाँ पर BJP नहीं जीती है कभी भी, तो BJP कभी नहीं जीती वो सीट, BJP अब जीत जाएगी। हाँ जी, जीतेगी। अब 2014 में जब मोदी लहर अपने चरम पे थी उस वक्त जो है BJP ये सीट नहीं जीत पाई थी, इस वक्त तो आपको लग रहा है कि BJP जीत पाएगी? 100 का 100 जीतेगी। वजह उसकी क्या रहेगी? वजह वोट ज़्यादा है जो है, BJP ने काम भी बहुत किए है इस कारण जीतेगी, मोदी ने बहुत काम किया है। आपके यहाँ से शहर से जो है बीरेंद्र सिंह, हाँ जी, इस्पात मंत्री रहे, आपके लिए कुछ यहाँ पर शहर में कुछ काम किया उन्होंने? नहीं, पहले कुछ नहीं किया। अभी जो है इस्पात मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री थे। अच्छा। मोदी सरकार में
उन्होंने कुछ किया यहाँ पे शहर में? यहाँ तो कुछ नहीं है जी, यहाँ शहर में कुछ नहीं किया है। आप लोग ये काट के कहाँ ले जा रहे हैं? बना लो जहाँ भाई। तो जो आप खाना बनाएंगे उसमें इस्तेमाल करेंगे? हाँ। तो खाना बनाने के लिए आपको सिलेंडर वगैरह नहीं मिला क्या? है भाई, चूल्हा की रोटी खावा हम तो। सिलेंडर नहीं मिला क्या आप मिला लोगों? नहीं मिला है? नहीं मिला। तो देखिए ये जो है उज्ज्वला योजना की जो है झांकी है, यहाँ पर हिसार जो है सब्जी मंडी है, और हिसार सब्जी मंडी में देखिए ये कितनी औरतें जो है यहाँ से लकड़ी जो है वो काट करके ले जा रही है, और इनका कहना है कि ये खाना बनाने के लिए लेके जा रही है। क्या नाम है आपका? वेदपाल जी। वेदपाल जी क्या करते हैं? खेती करा जी। खेती करते हैं जी। तो बताइए इस बार जो है यही गांव से है शहर से है? गांव से जी। कौन से गांव से? मिर्जापुर। कितनी दूर है इधर से? ये 8-10 किलोमीटर है। 8-10 किलोमीटर। तो गांव में जो है लोगों में क्या चर्चाएं हैं? गांव में लोगों ने चर्चा पहले दोनों तीनों पार्टियां में, वैसे जो कांग्रेस का नहीं जी। अच्छा, कांग्रेस को क्यों लोग चाह रहे हैं? बड़ी आदमी जी, किसी की सुनाई तो कौन करते जी। कौन नहीं सुनाई करता है ये बात? पाड़े है जी, मैंने मैंने खुद ने सरसम भोरे की दी जी, इनकी सरसमे को नहीं ली, तीनों भाई खत्म से डरे, दो को ऑनलाइन को नहीं करा रहे की दीजिए, 21-17 कट्टे लिए वो घराएं पड़ी रहेगी, ये वो अब 3200 रुपये मांगा है जी, और भी कहो 4200 रुपये। तो इसलिए कांग्रेस सरकार अच्छी है जी। कुलदीप बिश्नोई को कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो है ऑनलाइन करने से फायदा हो गया है। कुछ भी फायदा को नहीं, लोगों धक्के खुआने जी, चक्कर कटाने, खमेगा ऑनलाइन पर 200 रुपये लगाओ फिर हो करे इस तरह तक, मैंने सीधी ले लो चाहे किसी बात भी ले लो जी। अच्छा, हम अभी यहीं लोगों से बात करें तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो है विदेश में बड़ी छवि चमका दी है। कुछ नहीं जी, वो कहने की बात है, और पाकिस्तान में गिराएगी उस जंगल में इमरान खान के बम से हुए हैं, और इतनी असली हो जाए उसकी सुरजीत ने बुलाओ वो भी तो अपने देश का जी, पाकिस्तान में जेल में उसी छुटवाएगी लो इतनी बुलाएगी लिया इस तरह जी। अच्छा हाँ, जद बेरा पट मोदी है जी, सबरजीत पाकिस्तान जेल में है जी, उसको छुटवाओ, अभिनंदन ने छुटवा के लिया है, तो मोदी का जब तो पता लगे जी ठीक सही, मोदी लहर सी हो रही है लोगों के गल्ला कर रहे हैं। क्या आप मोदी जी की लहर नहीं है? नहीं जी, मैं ले लहर तो है वह कोई उतनी वहाँ कुंज रही जी, प्रभाव वहाँ पड़ रहा जी। अच्छा हाँ जी, तो यहाँ पर जो है कांग्रेस के भव्य बिश्नोई है वो सीट निकाल लेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं जी, भव्य बिश्नोई निकाला जी। गांव में आपकी जो ये सोच है ये ज्यादातर लोगों की सोच है या फिर कुछ नहीं? आदत है ज्यादा की जी, गांव मेरे गांव में महल्ले में धुर बरुवाड़ा तो लग गया था जी, 8-10 गांव में सारे में भगवे बिश्नोई जीत के निकलेगा जी, प्रॉपर बरुवाड़ा में खुद बनी भी कहने लग रही जी। अच्छा। नुवलम कमल का फूल छैत पे और मोर लगाओ हाथ पे, वो काम हो रहा है जी, नुवल एडत मारी छोटी नहीं, दम भी मारी छोटी नहीं, इतने परेशान कर रहे क्यों लोग भी जी। अच्छा हाँ जी, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान, सारे परेशान है जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुभाष जी। क्या करते हैं सुभाष जी? दूध का काम करते हैं। तो आप बताइए क्या माहौल देख रहे हैं, गांव से है शहर से है? गांव से। कौन सा गांव? रायपुर। यहां से कितनी दूर है? यहां से 8-1 किलोमीटर। 8 किलोमीटर है। तो आप गांव में क्या माहौल देख रहे हैं? जेजेपी का जी, हमारे जेजेपी का दुष्यंत चौटाला का, क्या वजह है उसकी? काम करे हैं थोड़े ना, मुद्दे उठाए हैं। बीजेपी है, कांग्रेस है, इनका इतना नहीं है, कांग्रेस का ही फिर ज्यादा है हमारे। हाँ। लेकिन दुष्यंत का है। अच्छा, दुष्यंत और कांग्रेस है। बीजेपी आप कह रहे तीसरे नंबर पर है? तीसरे, हमारे तो 100 पर्ची भी होंगे बीजेपी के कम में। अच्छा, मोदी जी के नाम पर कुछ वोट मिलेंगे? 150 वोट मोदी के नाम वही मिलेंगे। अच्छा, आप मोदी के काम से खुश हैं या नहीं है? है? नहीं है। क्यों खुश नहीं है आप? सिरसम बेच के आए 3200 रुपये। अच्छा, 4200 का रेट है, ऑनलाइन कर दिया, अब खरीदने नहीं लग रहे हैं। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि ऑनलाइन जितना प्रोसेस करा उससे नुकसान है? नुकसान हुआ है, 1000 रुपये घाटा हुआ है। अच्छा, 40 क्विंटल सिरसम में 40000 रुपये का घाटा हो गया। अच्छा, क्या फायदा किया मोदी ने? आपका क्या नाम है? मैं तो बाहर से हूँ। बाहर से कहाँ से है? बिहार से। बिहार से है, चलिए बिहार में भी चुनाव है, उधर भी आइए। चलिए, क्या नाम है भैया? अपना विनोद भाई। विनोद? हाँ। तो विनोद जी, किसका चुनाव में जो है किसका माहौल लग रहा है इधर? माहौल माल के वेरा आप तो कांग्रेस का देंगे। क्यों कांग्रेस को देंगे? सरकार बदलती रहनी चाहिए, मोदी आए बार की माहौल लग रहा है कि यूं का चाह बेचने वाला मन गया, आप भी देखेंगे दिन कदे उठ के आप बनाए प्रधानमंत्री। अच्छा, तो केले बेचने वाले प्रधानमंत्री बने? मन नहीं सकता फिर, तो चाह बेचने वाला मन केले बेचने वाला नहीं बन सकता। अच्छा, मोदी जी के काम कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, सरकार कैसी रही? अपना तो कोई ना तो मोदी की में करता ना कांग्रेस की में करती, वोट गेट ना गेट दें भाई। आपने अभी कहा कि कांग्रेस की देंगे? कांग्रेस चले, मैं कांग्रेस के वर्कर हूं सर। उधर अच्छा, आप कांग्रेस के हैं इसलिए देंगे? तो कांग्रेस के समय में यहाँ पर काम होता है? अपना वीरेंद्र है जींस अंदर वो चाणक है ठीक है, तो उसमें रहे बीजेपी में रहे, अब उसके समर्थक होए कर दे। तो अब तो जो है उनके बेटे खुद लड़ रहे हैं यहाँ पे, फिर आप कांग्रेस लड़ते हो? मैं तो कांग्रेस ने देवांगे।
अच्छा हाँ। ये देखिए, ये एक नई बात है यहाँ पर। हाँ, चुनाव है आपके इधर, 12 तारीख को वोटिंग होनी है। क्या माहौल लग रहा है इधर? माहौल बढ़िया लग रहा है, मोदी साहब का माहौल लग रहा है। मोदी साहब, वजह उसकी? वजह काम करे हैं। अच्छा, क्या काम किए आपके इधर शहर? बहुत में बहुत काम करे हैं। हाँ। ठीक है, नहीं सब्जी मंडी भी ले आती है, और भी काम बहुत करना रहे, आम पब्लिक के काम होने लग रहे। अच्छा, आपको क्या फायदा नजर आता है, आपको क्या फायदा हुआ है? हम अच्छा नेता मिल रहे हैं, काम करने लग रहे हैं, आम पब्लिक गिल्ला है। अच्छा, जो भी करेगा बढ़िया ही करेगा। बीजेपी है, कांग्रेस है, उधर उनसे क्या रुझान देख रहे हैं? नहीं है, है? उनका रुझान नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? निहाल सिंह। निहाल सिंह, निहाल सिंह जी, क्या माहौल देख रहे हैं? चुनाव है शहर में, 12 तारीख को वोटिंग है, क्या माहौल देख रहे हैं भाई? उसका भी जोर है। किसका? उसका के नाम है बिश्नोई। अच्छा हाँ, उसका भी जोर है। भव्य बिश्नोई कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं। हाँ हाँ हाँ। और बस भाई उसी का सुनूँ मैं तो। अच्छा हाँ हाँ। और बाकी आपको बीजेपी है और दुष्यंत चौटाला है, उनका? उनका भी भाई रुख का कैमरा बदल जा भाई है। अच्छा। बटन ना तो यहाँ पर जो है हिसार लोकसभा क्षेत्र में हमने अलग अलग लोगों के वर्गों से जो है बात की, और यहाँ पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय लगता है कि यहाँ पर इस बार जो है त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। दीपेंद्र हैं, भव्य बिश्नोई हैं और विजेंद्र सिंह हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी किसके हाथ लगेगी? क्या इस बार जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ से जो है अपना उम्मीदवार जिताने में कामयाब होगी, या दुष्यंत चौटाला एक बार फिर से जो है यहाँ पर सांसद बनेंगे, या वीरेंद्र सिंह बीजेपी के वो अपने बेटे को यहाँ पर जीत दिलाने में कामयाब हो पाएंगे? इस खबर को लेकर के आप क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।